अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, लर्नर्स। मैंने टॉपिक एनिमल बिहेवियर पे चैप्टर पे लेक्चर शुरू किए हुए थे और प्रीवियस लेक्चर भी एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड, जिसमें मैंने हार्मोनल इफेक्ट वगैरह और फिर उसके बाद माइग्रेशन पे लेक्चर दिया। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो नेविगेशन के अबाउट है कि किस तरह एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं या माइग्रेशन करते हैं, तो उनको उनकी ओरिएंटेशन जो है वो कौन बताता है, कौन उनको वो नेविगेट कैसे करते हैं, उनको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है। तो वो नेविगेशन पे आज मैंने बोलना है, नेविगेशन पे लेक्चर देना है कि एनिमल्स को कैसे पता चलता है जबकि वो मूव करते हैं, अपनी टेरिटरी से दूर चले जाते हैं और फिर वो वापस अपनी टेरिटरी में पहुंचते हैं सेफ एंड साउंड। उनको वो कौन है जो उनको ओरिएंट कर रहा है, जो उनको डायरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने नेस्ट तक वापस भी पहुंचते हैं, माइग्रेशन करते हैं। और इवन ये छोटी मोटी माइग्रेशन में कुछ जो एनिमल्स 10,000 किलोमीटर, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि सालमन जो है और आर्कटिक टर्न जो है, ये राउंड अबाउट जो आर्कटिक टर्न है वो 36,000 किलोमीटर तक वो माइग्रेट करता है। और 36,000 किलोमीटर के माइग्रेट करने के बाद वो फिर अपने अपनी टेरिटरी में वापस आता है। तो कौन है जो उसको ओरिएंट कर रहा है, कौन है जो उसको नेविगेट कर रहा है, कौन है जो उसको बता रहा है, उसको कैसे पता चलता है कि उसने अपने नेस्ट तक वापस आना है, उसको अपने नेस्ट का उस नेस्ट की साइट का कैसे पता चलता है। इस तरह लापताद एनिमल्स हैं जो मूव करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, तो उनको सिर्फ इस चीज का साइंटिस्ट सर्च में थे कि उनको कैसे पता चलता है वो अपने मखसूस मकाम पे आए, उनका नेस्ट कहाँ है, वो नेस्ट तक पहुंचे और नेस्ट तक आए। तो ये जो चीजें हैं तो इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सर्च किया, जिसमें जो है वो नो डाउट डार्विन का जो है वो सबसे पहले नाम आता है, डार्विन का नाम भी आता है और भी साइंटिस्ट का नाम आता है, कार्ल वॉन का नाम भी आता है, कि इन लोगों ने पहले ये कहा था कि ये जैसे कि ह्यूमन बीइंग जाते हैं अपने सफर पे, जाते हैं कहीं पे जाते हैं, ये भी तो ये वापस अपने जो है वो अपने टेरिटरी में आते हैं, अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह एनिमल्स भी जाते हैं, बाकी एनिमल्स भी जाते हैं, परंदे भी जाते हैं, शाम सुबह को जाते हैं खुराक हासिल करने जाते हैं, शाम को जो है वो अपने नेस्टों में वापस आ जाते हैं। तो ये इनको कौन नेविगेट कर रहा है, इनको कौन बता रहा है, ये तो इस पे जो मुद्र साइंटिस्ट ने काम किया। और अगर ये नेविगेट करते हैं, ये फ्लाई करते हैं, जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो इनके नेविगेशन के मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो इनके नेविगेशन में इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन से एनिमल्स किस मैकेनिज्म का सहारा लेकर वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं, अपने वो फीड की रिसर्च में जाते हैं या फिर वापस अपने नेस्टों में आ जाते हैं, तो क्या सब एनिमल्स जो हैं वो एक ही तरह का मैकेनिज्म अपनाते हैं, क्या सब जो है वो एनिमल्स एक ही तरह का मैकेनिज्म अपनाते हैं। अगर एक ही तरह का मैकेनिज्म नहीं अपनाते तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में by which they can navigate themselves, by which they can orient themselves towards their territory, towards their nest, towards their burrows after feeding। तो ये कौन सा है, कौन से mechanism है, तो आज हम उनके mechanism पे कुछ mechanism के वजह से बात करने जा रहे हैं, चंद mechanism पे कि जो उनको navigation में help करते हैं, जो वो जिनकी वजह से वो नेविगेट करते हैं, ओरिएंट करते हैं देमसेल्व्स को, उन अपने आप को, कि वो किस तरह नेस्ट की तरफ आना है, किस तरह खुराक की तरफ जाना है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर को आगे मजीद बढ़ाऊं, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मयसर आ सके। तो चलते हैं, अब एनिमल नेविगेशन में कौन कौन से टॉपिक्स थे, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिन पे हमने बात करनी है, कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं उसको मैकेनाइज करते हैं, उसके जरिए नेविगेट करते हैं खुद को। तो पहली चीज जो है वो क्या है, रिमेंबर्ड लैंडमार्क्स।
जिस तरह हम जो ह्यूमन बीइंग है कि वो अपनी एक निशानदेही रख लेते हैं कि भाई हम जा रहे हैं सफर पे, तो वो अगर देखो जैसे हम किसी को किसी सफर पूछता है, वो कहता है वो भाई वो फलां जगह पे आपने जाना है, वो फलां जगह पे आपने जाना है, उसके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे उसका घर है या मकान है या जहां पे आप जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंडमार्क जमीनी निशान जो है वो अपने जहन में जहन नशीन कर लेना और उन पे फिर अपने आप को ओरिएंट करके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाना। तो ये लैंडमार्क्स जो है वो पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल्स में भी के लैंडमार्क्स के जरिए पहचान करते हैं, वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये सन जो है दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि सन को अपना ओरिएंट मैकेनिज्म जो है सन के जरिए अपना नेविगेट मैकेनिज्म करते हैं, नेविगेशन मैकेनिज्म करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पहले एग्जांपल लेंगे सैंड हूपर की एग्जांपल लेंगे, तो ये जो है वो समुंदर के नजदीक जो है ये पाए जाते हैं, बीच से समुंदर से निकल के ये बीच तक आते हैं। तो ये निकल के आते हैं जनाब, बीच तक आते हैं और बीच पे आने के बाद ये फिर वापस समुंदर में चले जाते हैं, वो वापस पानी में चले जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, सैंड हूपर्स की बात कर रहा हूं। अब हुआ क्या कि ये समुंदर से निकल के पानी में आते हैं, सैंड में आते हैं, वहां पे फिर वहीं से अपने जो है वो ये वापस चले जाते हैं, कहां पे पानी में चले जाते हैं। अब यहां पे ये देखना था कि क्या इनको कौन है जिनको ये कर रहा है नेविगेट कर रहा है, कौन है जिनको ओरिएंट कर रहा है। अब इस पे साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको सैंड हूपर्स को पकड़ा और सैंड हूपर्स को पकड़ने के बाद ये जो मैं नाम दे रहा हूँ इनकी मैं पिक्स जो है वो एट द एंड ऑफ लेक्चर में जो साथ ऐड कर दूंगा, तो लेक्चर में आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि थोड़ा जो सैंड हूपर क्या है, दूसरे बाकी जो इनका नाम लूंगा वो क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इसको सैंड हूपर को पकड़ा और पकड़ कर रख लिया अपने पास, और अपने पास रखने के बाद एक्लिमेटाइज किया लैब के अंदर। एक्लिमेटाइज क्या किया कि उसको आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड की गई और उसका जो डायर्नल रिदम है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको 24 घंटे लाइट प्रोवाइड की गई, आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड की गई। और जब 24 घंटे आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करके उसको एक्लिमेटाइज किया गया और उसको फिर 24 घंटे बाद छोड़ा, तो वो अनेबल था कि वो अपनी सी की तरफ वापस जा सके, वहां पे वापस पहुंच सके, तो उसको वो नहीं वहां तक पहुंच सका। इट मीन दैट कि वो जो सन की रोशनी को लेकर या सन को लेकर जिसको उसने ओरिएंट माना हुआ था, ये नेविगेट कर रहा था, तो वो क्या है कि वो नहीं कर पाया जब उसको एक्लिमेटाइज किया गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है वो मजीद हम किसकी बात करते हैं, मैन शेयर वाटर की बात करते हैं, ये सी बर्ड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जो शोर एरिया है सन का ये वहां पे रहते हैं, और वहां पे रहने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे ये जो है वो वहां पे मौजूद है, अपने खुराक को लेते हैं, और खुराक को लेने के बाद क्या होता है कि फिर ये पहले जहां पे मौजूद है जिस जगह पे, मतलब ये यहां पे मौजूद है, सी बर्ड मौजूद है, ये खुराक ले रहा है, खुराक लेने के बाद ये वहां पे मौजूद है, अपने नेस्ट की तरफ जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है, अपने नेस्ट की तरफ जाना चाहता है। तो पहले ये अपनी डायरेक्शन फिक्स करेगा, क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन फिक्स करेगा उस जानेब जिस जानेब इसका नेस्ट है। जब ये अपने आप ओरिएंट कर लेगा अपने नेस्ट की जानेब, उस डायरेक्शन को फिक्स कर लेगा, देन ये फ्लाई करेगा और पहुंच जाएगा अपने नेस्ट की तरफ। अब हुआ क्या, ये देखा गया कि ये अगर सन क्लियर है, सूरज क्लियर है, सनी डे है, तो फिर इनको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब देखा गया कि जैसे ही क्लाउड्स आ जाते हैं, ओवरकास्ट वर्ड जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने जो है वो ये मुतारफ करवाया था कि ओवरकास्ट जब जो सन है सूरज है वो बादलों में छुप जाए और स्काई जो है वो ढक जाए, जो है वो उसकी वजह से बादलों के ओर में छुप जाए, तो उस वक्त इसको ओवरकास्ट कहा गया। अब ये क्या किया कि इन्होंने जब देखा कि जब बादलों का जब बादल आ गया आसमान पे, तो नतीजतन क्या है कि ये सी बर्ड जो है वो अपने आप को नेविगेट नहीं कर पाए, और इन्होंने क्या किया कि वहीं पे एरिया में जिस जगह पे मौजूद थे उसकी जगह जो है वो सर्कुलाइज करना शुरू कर दिया, खुद को सर्कुलाइज किया और वहीं पे ये घूमते रहे। लेकिन मतलब ये है कि ये सन को ओरिएंट कर रहे हैं, सन को लेके ये नेविगेट कर रहे हैं। उसके बाद है मोनार्क बटरफ्लाई जो है,
मोनार्क बटरफ्लाई जो है आप इनको मतलब जानते हैं कि ये इसमें मिमिक्री में इसका नाम और विसरे बटरफ्लाई दोनों का नाम आप इससे वाकफियत रखते हैं, ठीक है। तो उसके ये क्या करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये सन को एज ए कंप्रेस लेते हैं और ये माइग्रेशन करते हैं ऑटम सीजन में कनाडा से मैक्सिको की तरफ, कनाडा से मैक्सिको की तरफ ये क्या करते हैं मूव करते हैं और सन को अपना ये कंपास मान के जो है वो ये मूव करते हैं। अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि इनके पास ना तो कोई मैप है, ना तो कोई मैप है, ना इनके पास जीपीएस है, ना इनके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये मूव कर रहे हैं तो अपने आप को ये जैसे ये मूव करवा रहे हैं अपने ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज ये देखने में नजर आए कि मोटर मैकेनिज्म जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी है कि नाइट स्काई जो है उसके जरिए किस तरह ओरिएंट करते हैं, तो वार्बलर्स को देखा गया या फ्रीकर डंक बेटर जो है उनको देखा गया, ये क्या करते हैं जो तो रात को जब आसमान क्लियर होता है और सितारे फुल अपनी जो है वो आबोताब से चमक रहे होते हैं, तो वो जो सितारे आबोताब से चमक रहे होते हैं तो उस वक्त या फिर सितारों का झुरमुट जो है जो गैलेक्सीज पड़ी हुई है या मिल्की वेज पड़े हुए हैं ये उनको देख के अपने आप को ओरिएंट करते हैं और ये मूव करते हैं अपने जो है वो मंजर की जानब। तो ये डंग बीटल जो है इनको भी देखा गया कि जैसे रात को अगर ये जो है वो आसमान पे सितारे से इतना वाजे नहीं होते, ब्रिटलिंग जो है वो स्टार्स नहीं मौजूद होते वहां पे, या वहां पे जो है वो कोई प्रॉब्लम जब बादल आ जाते हैं वो कॉस्ट कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त ये अपने आप को ओरिएंट करने में जब डिस्टर्बेंस जो है उसका सामना करना पड़ता है इनको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट की तो कॉल ऑन फिशेस ने ये हनी बीज को मतलब बोला था कि हनी बीज जो है जो वर्कर हनी बीज है वो क्या करते हैं अपने हाइव से अपने नेस्ट से हाइव से छते से ये मूव करते हैं अपने खुराक के लिए और इनको जब ये पोलर ग्रेन्स पर पहुंचते हैं अपने खुराक के लिए वहां पर पहुंचते हैं अपने खुराक को डिटेक्ट करती हैं तो उसके बाद ही वापस अपने हाइव्स में आती हैं। हाइव्स में आने के बाद वो वहां पे अपने जो है बाकी जो उनकी हनी बीज है बाकी बीज है उनके सामने ये डांस करती हैं, वो वैगन डांस जिसे कहा गया वैगन डांस और ये कहा जाता है साइंटिस्ट कहते हैं कि वो वैगन डांस जो है वो बाकी मक्खियों को बताती हैं कि भाई वहां पे, और सिर्फ वो कहते हैं कि ये सिर्फ उसको ओरिएंटेशन नहीं बताती और नियर अबाउट डिस्टेंस भी बताती हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे खुराक मौजूद है, कितने जो है वो किस सीमत में खुराक मौजूद है, कितने डिस्टेंस पे खुराक मौजूद है, ये सब कौन बताती हैं, ये जो है हनी बीज बताती हैं दूसरे जो है वो अपनी साथियों को। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन कि जिनके अंदर बिलफर्ज क्लाउड आ जाते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन आ जाती हैं, सनी वे मुहैया नहीं होता, मिल्की वे जो मुयसर नहीं होते, तो फिर ये देखा जाए कि फिर क्या चीज है कि कौन इनको जो है वो अपने रास्ते पे लाती है नेविगेट करती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया किस पे, पिजन्स पे, तो ह्यूमन पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि उनको अगर सनी वे में छोड़ा जाता है तो फिर भी वो अपने जो है वो मकाम पे पहुंच जाते हैं, वापस अपने घरों में नेस्ट में पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो कहां पे उनको छोड़ा गया, बादलों में छोड़ा गया कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन इफेक्ट कर रही होंगी, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन में भी देखा गया कि वो अपने सही मकाम पे पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या चीज है, ना तो ओवरकास्ट कंडीशन इसको इफेक्ट कर रही है, ना इसको स्टार्स इफेक्ट कर रहे हैं, ना ही इसको जो है सन इफेक्ट कर रहा है। अगरचे ये लेते हैं नेविगेट करते हैं इस सन के जरिए भी नेविगेट करते हैं, उसके स्टार्स के जरिए नेविगेट करते हैं, लेकिन कुछ और भी है जो नेविगेशन में मदद कर रहा है। तो इस बात पे साइंटिस्ट ने जब थिंक किया कि भाई कुछ और है जो नेविगेशन में मदद कर रहा है, वो क्या है जो उनको नेविगेशन में मदद कर रहा है, उस पे जब देखा गया तो इन्होंने क्या किया कि इन पिजन्स के जो विलियम केटॉन इसने एक्सपेरिमेंट किया, इस पे इन्होंने क्या किया कि पिजन्स के सर पे मैग्नेटिक कंपास जो है वो लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। अब मैग्नेट को लगा दिया तो उसको उलट डायरेक्शन में लगाया और ताकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाए, और जब उसको ले गए अवे फ्रॉम द नेस्ट और फिर वहां पे नेस्ट से दूर जाके उसके ऊपर मैग्नेट को लगा दिया, तो अब मैग्नेट को लगाने की वजह से क्या हुआ कि मैग्नेट की वजह से उनका मैग्नेटिक फील्ड था वो डिस्टर्ब हो गया। और हुआ क्या कि वो जो जिन जिन पिजन्स पे
जिन जिन कबूतरों पे वो मैग्नेट को लगाया था वो अपने आप को डायरेक्ट नहीं कर पाए, वो अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाए, वो अपने नेस्ट तक नहीं पहुंच पाए और वो कंफ्यूज हो गए, वो डिस्ट्रैक्ट होते रहे अपने रास्ते से। तो इसका मतलब यह है कि ये केटॉन कहता है, विलियम केटॉन कहता है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इनके अंदर जो है एक मेन चीज है, मेन जो उनको ओरिएंट करती है, उनको नेविगेशन में मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने जो लास्ट वन मैं इसके मैकेनिज्म में बता रहा हूं कि ऑल्फैक्शन जो है, ऑल्फैक्शन में उन्होंने कहा कि ये कुछ सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं, ऑल्फैक्शन सेक्रीट करते हैं जो उनको हेल्प करती है नेविगेट करने के लिए। ये जहां से गुजरते हैं वो सेक्रीशन लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफी टाइम तक मौजूद होती है और वो सेक्रीशन उनको बताती हैं कि किस रास्ते से आई थी या किस रास्ते पे इनको जाना है। ये वापसी करने का रास्ता जो है वो नेविगेट करने में मदद देता है ऑल्फैक्शन। किस तरह एग्जांपल मिनोज जो है, ये मिनोज छोटी छोटी मछलियां होती हैं, फिशेस होती हैं, जिन जो सेक्रीशन खरीद करती हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, सेक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, तो ये जहां से गुजरती हैं फिर वापस उसी सलाइवा को मद्देनजर रखते हुए उसके ऑर्डर को स्मेल करते हुए ये क्या करते हैं फिर वापस अपने मंजिल तक पहुंचती हैं। ये सालमन जो है इसके मतलब कहा जाता है कि सालमन नो डाउट ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो है वो नेविगेट करती है, लेकिन इनको जो जिस रिवर में जाता है, जिस रिवर में इन्होंने ब्रीडिंग से ब्रीड करना है, ये वहां पे इन्होंने एग्स को ले करना है, तो वहां पे उनको उस रिवराइन साइट की जो डिटेक्शन है वो अपने ऑल्फैक्शन के जरिए करते हैं, अपने सेक्रीशन के जरिए करते हैं। तो बाहर हमने क्या देखा है कि इस एनिमल नेविगेशन में हमने टॉपिक में देखा कि कई एक एनिमल जो थे वो नेविगेट कर रहे हैं मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए, ठीक है, मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए नेविगेट कर रहे हैं। कभी तो वो हमने एग्जांपल दी कि इसकी लैंडमार्क्स के बारे से बात की और फिर हमने बात की कि जनाब ओरिएंट सन के जरिए ओरिएंट कर रहे हैं, जिसमें सैंड हॉपर्स की बात की हमने, मैक्स शेयर वाटर की बात की, मोनार्च बटरफ्लाइज की बात की कि किस तरह ये शेयर बर्ड जो है वो ये किस तरह आपने ओरिएंट कर रहे हैं सकाय के हिसाब से, तो ये ओवर क्रॉस कंडीशन में किस तरह अफेक्टेड होते हैं, या सैंड ओवर्स की बात की कि वो किस तरह उनको ग्लिमेटाइज किया गया तो वो किस तरह अफेक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज की बात की तो ये, उसके बाद और वार्बलर्स की बात की या डंग बीटल्स की बात की, ये मिल्की वे गैलेक्सी में उसको किस तरह जो है वो अपना डायरेक्टर मान के उसके जरिए जो है ये मूव करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कंडीशन को, या फिर हनीबी की बात की और बैगर डांस की वाले सिर की बात की कि किस तरह ये अपने हाइव से अपने फीडिंग बिहेवियर की फीडिंग साइड की तरफ जाती हैं और फिर वापस आती हैं और अपनी बाकी हनीबी बीज को बताती हैं कि खुराक कहाँ पर मैसर है, कितने फासले पे है, किस डायरेक्शन में, ये अपने बैगर डांस के जरिए उनको जो है वो डायरेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने मैग्नेटो रिसेप्शन की बात की, जिसमें हमने पिजन्स के जो है एक्सपेरिमेंट की बात की कि पहले उनको वैसे छोड़ा गया सन में तो वो वापस आ गए, फिर उनको ओवरकॉस कंडीशन में छोड़ा गया तो भी अपने नेस्ट में वापस आ गए, फिर जो है वो रात का टाइम छोड़ा गया फिर भी वो वापस आ गए, क्लाउडी नाइट में छोड़ा गया तो भी वापस आ गए, फिर उन पर जब मैग्नेटिक कंपास जो है वो बांधा गया तो वो जो है वो अपना रास्ता खो गए और अपने रास्ते पे वापस सही ना पहुंच सके। मिनोज की बात की जो कि सेक्रीशन सेक्रीट करती हैं और ऑल्फैक्शन के जरिए जो है अपनी डायरेक्शन को प्रोवाइड करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। तो लिहाजा आप लोगों को ये कुछ मैंने एनिमल्स नेविगेशन के अबाउट जो छह मैकेनिज्म के हवाले से बात की है और आपको एग्जाम्पल्स दे के कुछ बताया बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है, मुझे अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें और शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।